हमारे कस्बे में एक स्कूल है। उस स्कूल में कई अध्यापक हैं। उन अध्यापकों में एक अध्यापक व्याकरण पढ़ाते हैं, जिनका नाम है, नाम मान में क्या रखा है, कुछ भी रख लीजिए। तो एक बार अपने विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष में इन जनाब ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें इनके पास पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्रगण सब लोग शामिल हुए। वहीं से बदनामी कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन क्यों और कैसे ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा उस पार्टी में। आइए चलते हैं। बड़ी गहमा गहमी थी, हर तरफ लोग ही लोग थे, छोटे छोटे दलों में बटे हुए। मुख्य हॉल में संगीत और नृत्य चल रहा था। कहीं बच्चे खेल रहे थे। एक युवा लड़की पियानो बजाकर अपना दिल बहला रही थी, जिसे सुनकर एक युवक के मन में प्यार के अंकुर फूट रहे थे। वाह क्या बात। मैं सचमुच के भूतों की बात कर रहा हूँ भाई। कुछ लोग भूत प्रेतों की कहानियों में डूबे हुए एक दूसरे को अपने अपने अनुभव सुना रहे थे, और कुछ लोग एकाग्र चित्त होकर ताश खेलने में व्यस्त थे। लड़कियों के नाच गाने के बाद बारी आई लड़कों की। खिड़की रखा
ये पीना पिलाना और गाना बजाना आधी रात तक होता रहा। लोगों को अब बस एक ही इंतजार था कि खाना खाने की घोषणा कब होती है, क्योंकि इस बात का उन्हें पक्का यकीन था कि खाना लाजवाब मिलेगा। इस घर की पुरानी नौकरानी देखने में जितनी बदसूरत थी, खाना बनाने में वो उतनी ही माहिर थी। उसके खाने की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। खाना सूंघते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। इस घर के मेजबान के साथ यही हुआ। बस इसी बात से कयामत बढ़ पाओगे। अरे बस करो खेलना, अब आधी रात हो गई, खाना का भी इंतजाम करो। ओ यस, आई एम सॉरी, मैं भी देखती हूँ। हाँ पिंटो, पिंटो। यस डार्लिंग। हम कैसे मेजबान हैं? हाँ मेहमान भूखे बैठे और खाने का कुछ पता नहीं। सब काम मैं अकेले करूँगा, तुम बैठी ताश खेलती रहोगी। हाँ जाकर किचन में देखो कितनी देर है। खाने में कितनी देर है? वहाँ मेहमानों का भूख के मारे बुरा हाल है। बस तैयार है, अभी 10 मिनट में लगा देंगे। वो रोगन जोश बनाया कि नहीं? बनाया है, बनाया है, ये देखिए। मुंह में पानी आ गया संतो, खूब चटपटा बना होगा। नहीं वाह वाह, क्या आवेगपूर्ण चुम्बन स्वर है। किसे चुम रहे थे? संतो को। अरे अरे भाई क्या कर, अरे ये तो चटकारे की आवाज थी, रोगन जो उसको देख के मुंह से निकल गया बस। आप झूठे बहाने न बनाओ यार, मुझे पता है असलियत क्या है। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, मुझे क्या। अरे सुनो, अरे सुनो, सुनो सत्यानाश, कमल उस महिला को वही बात बता रहा है। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि मैं इतना गया बीता हूँ कि अपनी नौकरानी को चूमता फिरूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये आदमी तो और लोगों को भी बताता फिरेगा, कितनी बदनामी होगी मेरी। इस कमबख्त को भी ठीक उसी समय किचन में आना था जब मेरे मुंह से चटखारे की आवाज निकली। मुझे कुछ करना होगा। कहीं बोर तो नहीं हो रही आप? नहीं बिल्कुल नहीं। आपके लिए कुछ वाइन वाइन ले आऊं थोड़ी? नहीं बस शुक्रिया। भूख भी लग रही होगी आपको? जी हाँ। बस खाना तैयार है, अभी 10 मिनट में लगी जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। मैं अभी भी किचन में गया था ना, देख के आया मैं सब। अच्छा रोगन जोश बना है मसाले वाला। वाह बहुत ही चटपटा बना होगा है ना? बहुत बहुत ही चटपटा है, इतना कि देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अच्छा हाँ, जैसा अभी अभी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा जरूर आ गया होगा, आपकी नौकरानी की काफी तारीफ सुनी है मैंने। जी हाँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ही अच्छा, लेकिन देखने में बड़ी बड़ी बदसूरत बत्ती सी है। अब ये तो देखने वाले पर है, उसे कोई कैसा दिखाई देता है। खैर ये भी सही है, लेकिन उसे किसी भी नजर से देखिए वो बदसूरत बद्दी ही लगती है। होगी मुझे क्या। जी हाँ आपको क्या। अब लेकिन देखिए ना, इंसान को कैसी कैसी गलतफहमियां हो जाती है, जैसे अभी अभी कमल को भी थी, उसे लगा कि मैं संतों को चूम रहा था। माफ कीजिएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उसे बताया, मेरे मुंह से तो वो रोगन जोश को देख के पानी आ गया था और चटकारे की आवाज निकली थी, तो उसे लगा कि मैं उसे चूम रहा हूँ। अब आप बताइए कि मैं। अब वो उसे भी बता रहा हूँ, जी तो कर रहा है कि धक्के देकर बाहर निकाले इस बदमाश को, लेकिन क्या करूं, मेहमान है मेरा,
सब लोग मुझे कोसेंगे कि एक मेहमान के साथ बदसलूकी की। Yes, yes, very much. थोड़ा ड्रिंक विंक ले आऊंगा? नहीं मिस्टर पिंटो, बहुत हो गई, अब तो भूख लग रही है। बस खाना तैयार है, अभी 10 मिनट में लग जाएगा। मैं अभी गया था ना किचन में सब देखने के लिए, रोगन जोश बनाया है, बहुत ही चटपटा मसालेदार। वाह, मजा आ जाएगा। बहुत तारीफ सुनी है आपकी नौकरानी की कि खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी हाँ, खाना ही अच्छा बनाती है, लेकिन कई कई बार लोगों को गलतफहमियां हो जाती है। कैसी? अजीब अजीब सी, जैसे अभी अभी कमल बाबू को हुई थी। क्या? उन्हें लगा कि मैं अपनी नौकरानी संतो को किचन में चूम रहा हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आप नौकरानी को नहीं चूम रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसे चूम रहे थे, किसी और को? नहीं भाई, किसी को भी नहीं चूम रहा था। वो तो रोगन जोश को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मुंह से चटखारे की आवाज निकली, तो उन्हें लगा कि मैं उसे चूम रहा हूँ। चटखारे की आवाज वैसी ही लगती है ना, चुम्बन जैसी। कभी नोट नहीं किया। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, करके बताता हूँ ना, देखिए और सुनिए। अभी हो नहीं पा रहा है, क्या है कि गला होंठ सूखे हैं ना। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मैं एक भद्र और सम्मानित व्यक्ति हूँ, एक नौकरानी को चूमने की हरकत मैं कभी नहीं करूंगा, खास करके संतो जैसी नौकरानी को। मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, बस खाना लग जाता है अभी 10 मिनट। मैं अभी अभी किचन होके आया, सब रेडी है। गुड। कभी कभी आदमियों को कैसी गलतफहमियां हो जाती है। नहीं, हाँ, इंसान की एक कमजोरी है, लेकिन मेरी नहीं। मैं आपको कैसा आदमी नजर आता हूँ? मतलब ये कि मुझे देखने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति होऊंगा? बहुत ही सभ्य, सुशील और सोफिस्टिकेटेड। थैंक यू, मैं बिल्कुल वैसा ही आदमी हूँ। जरूर होंगे। और मैं कैसे नजर आता हूँ आपको? बस वही, सभ्य, सुशील, सोफिस्टिकेटेड। वाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपकी एक नौकरानी है, दिखने में एकदम भद्दी और बदसूरत, तो क्या आप उसे चूमने की जरूरत कर सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर कर सकता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो ऐसा अकेले में भी नहीं कर सकता, मैं एक बहुत ही सभ्य, सुशील और सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति हूँ। वो तो मैं भी हूँ। ऐसी हरकतों को मैं अनैतिक मानता हूँ। मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। तो फिर कैसे चूम सकते हैं आप किसी नौकरानी को? मैंने कब चूमा? आपने नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले मैं जब किचन में गया था ना, तो वहाँ रोगन जोश की खुशबू को देखकर मेरे मुंह में चटकारे की आवाज निकल गई और वो कमल को ऐसी गलतफहमी हो गई कि मैं नौकरानी को चूम रहा हूँ। आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन ये कमल कौन है? वही जो अभी अभी आपसे बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, उसका नाम कमल है, मैं तो आज उससे पहली बार मिला। बड़ा अच्छा आदमी, बड़ी मजेदार बातें कर रहा था। बहरहाल रात काफी हो गई है, खाने में और कितनी देर है? अभी लग ही जाता। लेकिन यकीन मानिएगा, मैंने संतों को नहीं चूमा था। कमल को यह सरासर गलतफहमी हुई है। ठीक है, हुई होगी। प्लीज अब जरा खाना लगवा दीजिए। अभी लगवा था। हाँ, अभी लगवा। आपको मैं कैसा आदमी नजर आता हूँ? क्या आपको नहीं लगता कि कई कई बार लोगों को अजीब अजीब गलतफहमियां हो जाती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मोटी, भद्दी और बदसूरत नौकरानी को चूमूंगा? नैतिक और अनैतिक, इन दोनों बातों का मैं बहुत ही ध्यान रखता हूँ। चटकारे की आवाज को उन्होंने चुम्बन समझ लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि खाना अच्छा बनाती है, मेरे यहाँ सालों से काम कर रही है, लेकिन उसे चूमने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता।
देखिए ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि कमल उसी वक्त किचन में दाखिल हुआ जब मैं संतों को चूम रहा था और उसने समझ लिया कि मैं चटकारा ले रहा हूँ। नहीं मेरा मतलब है कि जब मैं चटकारा ले चुका था और उसने समझ लिया कि मैं उसे चूम रहा हूँ तब वो दाखिल हुआ। अब तो आपको विश्वास हो गया कि मैं उसे नहीं चूम रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मान तो गए कि मैंने सिर्फ चटकारा लिया था चुम्बन नहीं। अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। तो इस तरह अपने सफाई अभियान से संतुष्ट होकर हमारा नायक चैन की नींद सोया। उसके हिसाब से बात आई गई होगी, लेकिन भाग्य की करनी कुछ और ही थी। एक सप्ताह बाद जब वो स्कूल में अपनी क्लास ले रहा था और बच्चों को व्याकरण सिखा रहा था तो स्कूल के प्रिंसिपल वहां आए। मिस्टर पिंटो। यस सर। जरा इधर आइए। जी सर। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, आइए। यस सर। बच्चों आप ये एक्टिव पैसिव देख लेना, मैं अभी आया। यस सर। देखिए मिस्टर पिंटो, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन माफ कीजिएगा मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रिंसिपल होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, इसलिए मैंने सुना है आपने एक औरत को रख लिया है जो शायद आपकी नौकरानी है। मुझे इस चीज से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये आपका पर्सनल मामला है। आप जो मर्जी करें, उसके साथ रहना चाहे रहें, उसे चूमना चाहे चूमें, लेकिन भगवान के लिए इस तरह सरेआम बेशर्मी से नहीं। जरा सोचिए विद्यार्थियों पर इस बात का कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। भूलिए नहीं आप एक अध्यापक हैं और इन बच्चों के नैतिक चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी आपकी भी है। आइंदा ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? अभी तक उस कमीनी संतों के ख्यालों में खोए हो जिसे मैं नौकरी से निकाल चुकी हूं? अरे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, बेशर्म कच्चा। जीवन का सबसे प्यारा दिन है और मेरे लिए, क्योंकि आज तुमने हाँ कर दी। मैं पिंटो साहब की उस पार्टी को जीवन में कभी नहीं भूलूंगा जब तुमसे पहली बार मुलाकात हुई थी। एक ही हफ्ते में सब कुछ हो गया, मुझे मेरी दुनिया मिल गई और तूने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। दुष्ट कमीने, मेरे चेहरे पे काली पोत दी है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको कुछ नहीं किया, मैंने आपको कुछ भी नहीं किया। पूरे शहर में मेरी बदनामी करने के बाद खुद पूछ रहे हो तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तो बदनाम किया, ये क्या कह रहे हैं आप? पिंटो साहब लगता है आपको दोनों कुछ गलत फहमी होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा ना, तो फिर पूरे शहर को किसने बताया कि मैं अपनी नौकरानी को चूम रहा था? ईश्वर मुझे मार डाले, मेरा ट्रांसफर अंडमान निकोबार करवा दे। मैंने अगर मैंने ऐसी कोई बात कही हो पिंटो साहब, मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ मैंने तक कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसी कोई बात किसी से नहीं कही। तो इनसे भी नहीं कहा तुमने? है जब ये पियानो बजा रही थी उस रात की माँ से खुसर खुसर करके आपसे क्या बात कर रहे? ये तो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे और मैं इनसे कह रही थी कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे। तो आपको किसने बताया कि मैं किचन में नौकरानी को चूम रहा था? आपने तो बताया था। इन बेचारों ने तो आपके लिए कोई बुरी बात नहीं कही,
उल्टे तारीफ करते रहे। झूठ है, सब झूठ है, पूरे शहर को पता है, तो फिर उनको किसने बताया? पिंटू साहब, मैं भविष्य में होने वाले अपने बच्चों की कसम खा कर कहता हूँ, मैंने ऐसी कोई बात किसी से नहीं कही। नहीं कही ना, विश्वास करो। तो फिर किसने? किसने कहा होगा? हमारे नायक बेचारे की यह परेशानी तभी से चली आ रही है कि आखिर उसकी बदनामी फैलाई तो किसने? क्या आप उसकी मदद करेंगे और ये बताएंगे कि उसे बदनाम करने वाला व्यक्ति कौन है? सही जवाब देने वाले को मेरी तरफ से 500 रूबल का इनाम। Thank you.